सर बीकॉम तो कर लिया या बीकॉम तो कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, फाइनल में हूँ, प्लीज बता दीजिए जॉब तुरंत कैसे मिलेगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बीकॉम करने के तुरंत बाद जॉब पा सकते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं। क्योंकि आज आपको बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, लाइक मैंने बीकॉम भी कर लिया, मैंने एमकॉम भी कर लिया, मैंने एमबीए भी कर लिया, उसके बाद हम जॉब सर्च करते हैं, फिर जॉब हमें हमारे रिलेवेंट मिल नहीं पाती, फिर हम कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़े पैसे पर भी जॉब करते हो ना, और आपको जब अच्छी जॉब मिलती है तो आपका प्रमोशन होता है, आपको अच्छा लगता है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की करियर गाइडेंस आपको देता रहता हूं। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दैट इज एसबीजी क्लासेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीकॉम एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको मार्केटिंग की नॉलेज भी दी जाती है। लेकिन बहुत बच्चे नहीं समझते, वो केवल बीकॉम का एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद कहीं जॉब पर जाते हैं तो उनके पास कोई स्किल नहीं होता, और उसके बाद वो कहते हैं कि सर मुझे तो जॉब नहीं मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो बीकॉम के जस्ट बाद आपको जॉब मिल जाए, तो आपको बीकॉम में दो चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है। नंबर एक, आपको बीकॉम में जो भी आप पढ़ रहे हो, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आप बैंकिंग पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको इस तरह से पढ़िए कि आप उसे सीख रहे हो, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द करियर, फॉर द फ्यूचर। उस तरह से पढ़िए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जब मैं बीकॉम में था गाइस, तो मैंने बीकॉम करते करते एक स्कूल में एज ए क्लर्क मेरी जॉब लग गई थी, और बीकॉम करते करते ही मैं एज ए मार्केट में अकाउंटेंट की जॉब किया करता था, क्योंकि बीकॉम का सिलेबस इतना हाई नहीं है कि हम कहीं पर कोई काम ना कर सकें, आप पढ़ाई के साथ साथ कोई इवनिंग में काम भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है, अगर आप अकाउंट की लाइन में, कॉमर्स की लाइन में आगे जाना चाहते हो, तो आपको मार्केट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा वही एक्सपीरियंस था कि मैंने बीकॉम बेसिस पर जॉब अचीव की, देन उसके बाद फिर मैंने आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और प्रमोशन लेता था। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ है, अपने सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़िए कि वो आपको करियर में आपकी हेल्प करे, आपको आगे जाकर, अगर आप कहीं पर बीकॉम के बाद जॉब पर जाते हो तो आप कह सकते हो मैं इस चीज़ की नॉलेज रखता हूँ। सेकंड थिंग, बीकॉम से कुछ नहीं होगा। खाली बीकॉम के बाद आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे, आपको जॉब भी मिलेगी, 5-7 हज़ार रुपये एज ए फ्रेशर मिल जाएगी। लेकिन आप फ्रेशर नहीं बनना चाहते, फ्रेशर बन के कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, आपको कोई भी धक्के मार के कभी भी निकाल देगा, कॉम्पिटिशन से आप बाहर हो जाओगे। क्यों ना आप बीकॉम के साथ कोई एक ऐसा कोर्स कर ले, मैंने आपके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जी, अगर आप बीकॉम के साथ कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज ले लेते हो तो आपको बीकॉम के बाद तुरंत जॉब मिल जाएगी। आज कोई भी एक टाइम पे एक कोर्स नहीं कर रहा है, कम से कम दो कोर्स कर रहा है। मैं ये बात बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ वीडियो बनाकर, क्योंकि जितने बच्चे कॉमर्स के हैं वो मेरे अपने हैं, वैसे तो सारे मेरे अपने हैं, लेकिन कॉमर्स वाले भाई मेरा सब्जेक्ट है, मायसेल्फ गौर भारद्वाज, मैं लेक्चरर हूँ अकाउंट्स का, तो डेफिनेटली बात है मैं अकाउंट्स के बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो बच्चों आप सबको, हमें क्या होता है, हमें बदनामी होती है, हमें कोई कहता है अरे कॉमर्स से पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या फ्यूचर है, साइंस से पढ़ते हो तो ये जाते वो जाते। सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप किसी की बुराई, किसी से भी ना सुनो अपने बारे में बुराई, तो सिंपल सी बात है, बीकॉम के साथ कोई ना कोई रिलेवेंट कोर्स जरूर करो। अगर आपका अकाउंट में इंटरेस्ट है तो टैली आता है, अकाउंटिंग डिप्लोमा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये ज़रूर करिए। अगर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मार्केटिंग, बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, इनके डिप्लोमा आते हैं वो करिए। किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा आते हैं वो करिए, डिजाइनिंग के डिप्लोमा आते हैं, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा आता है, टाइपिंग का डिप्लोमा आता है, फॉरेन लैंग्वेजेस का डिप्लोमा आता है। कुछ भी करिए, अपने इंटरेस्ट को पहले देखिए, कमेंट करिए फटाफट जाके कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, उस इंटरेस्ट बेस पर आपको अपना करियर ऑप्शन चुनना है, उसके बेसिस में कोई कोर्स करना है। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या दो कोर्स एक साथ कर सकते हैं? डेफिनेटली, बीकॉम एक डिग्री कोर्स है और वो एक डिप्लोमा, एक सर्टिफिकेट कोर्स है, दोनों साथ में कर सकते हो, क्योंकि डिप्लोमा में जाना जरूरी नहीं होता। बट अगर गाइज आप दो डिग्री कोर्स एक साथ करते हो तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि बीकॉम के साथ कोई ना कोई कोर्स जरूर करें। जैसे ही आप कोर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको जाता है, बीकॉम करने के तुरंत बाद आप कहीं पर जॉब पर जाओगे और दिखाओगे कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बीकॉम और एज लाइक एज सर्टिफिकेट आल्सो, एक मेरे पास सर्टिफिकेट भी, तो आपको तुरंत जॉब मिलेगी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बीकॉम करने के साथ साथ स्टॉक ब्रोकिंग, जो शेयर मार्केट का कोर्स होता है, उसका डिप्लोमा किया था। वो एक साल का डिप्लोमा होता है, उसे करने के बाद आपको मैक्सिमम जॉब के चांस मिल जाते हैं। उसके तुरंत बाद उसकी बीकॉम करते करते ही जॉब लग गई थी, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, मैं आपको कल को रिप्लाई देता हूँ। नंबर एक, सिटिंग जॉब आपको पसंद है,
मार्केटिंग की जॉब आपको पसंद है, बैंकिंग की जॉब आपको पसंद है, बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, आपको कैसा काम अच्छा लगता है, आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है या घर पे पड़े रहना अच्छा लगता है, तो जरा कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करना, इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर देता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।